स्वागत है मित्रों इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सॉर्टिंग का उपयोग देखेंगे जब आप अपने टेबल के अंदर की माहिती को किस प्रकार सॉर्टिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं उसके लिए सॉर्टिंग विकल्प प्रयोग किया जाता है जैसे कि चैनल के अंदर दिए गए हुए विविध प्रकार की वैल्यूज़ को मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, में सॉर्ट करना चाहता हूँ तो वह मैं सॉर्टिंग विकल्प की मदद से कर सकता हूँ तो सॉर्टिंग विकल्प देखने के लिए सबसे पहले आप होम रिबन में जाए होम रिबन में सबसे आखिर में एडिटिंग विकल्प होगा एडिटिंग विकल्प में शॉर्ट एंड फिल्टर नाम का एक ऑप्शन देखेंगे जैसे कि मैं चैनल के जरिए सॉर्टिंग करना चाहता हूँ और चैनल को मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और उसके हिसाब से सभी डेटा मेरा सॉर्ट होना चाहिए तो सबसे पहले जिस डेटा को आप सॉर्ट करना चाहते हैं वह सिलेक्ट कीजिए एक बार डेटा सिलेक्ट हो जाने के बाद आप एडिटिंग ऑप्शन में से शॉर्ट ऑप्शन में जाए वहां एरो पर क्लिक करते ही एक पॉपअप खुलेगा वह पॉपअप में से आप पहला ऑप्शन शॉर्ट ए टू जेड सिलेक्ट कीजिए शॉर्ट ए टू जेड का उपयोग जब आप एसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं तब होता है शॉर्ट जेड टू ए का उपयोग जब आप डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं तब होता है तो हम शॉर्ट ए तो हम शॉर्ट ए टू जेड सिलेक्ट करते हैं जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपका डेटा शॉर्ट हो जाता है जैसे कि कैटरिंग पहले आ गया है फिर डायरेक्ट सेलिंग उसके बाद इंटरनेट उसके बाद मोल स्टोर्स पार्टनर और अन्य अगर आप इस डेटा को डिसेंडिंग में शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट Z टू एड करें तो फिर से रिटेल रेस्टोरेंट और उस प्रकार से डेटा शॉर्ट हो गया है तो इस प्रकार आप अपने टेबल में दिए गए हुए डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं धन्यवाद